तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का छठा विकेट गिरता हुआ, जो कि आदिल रशीद ने बोल्ड कर दिया है यहाँ पर स्टोक्स को, और उन्होंने आउट होने से पहले 12 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया। तो यहाँ पर काफी मजबूती स्थिति के अंदर इस समय पहुंचती हुई प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, उसके जवाब में यहाँ पर सनराइजर्स कैप ने मात्र 104 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। अभी बल्लेबाजी करने के लिए है मार्को यानसन और जेम्स फुलर, इस समय दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी। काफी मुश्किल स्थिति में यहाँ पर सनराइज ईस्टर्न कैप की टीम, जिनको 38 गेंदों पर 110 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जो कि इस समय स्कोर है जो 106 रन है 6 विकेट के नुकसान पर, जेम्स कुलर खेल रहे हैं 2 रन बनाकर और मार्को यानसन अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 2 रन बनाकर वो खेलते हुए और आदिल रशीद गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। और इस समय मार्क बहुत अच्छी, यहाँ पर वापस समय गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर 9 नौकिया हेनरिक नोकिया इस समय गेंदबाजी करते हुए, उनकी गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं जेम्स फुलर। ये गेंद इसको उठा दिया है यहाँ पर और गेंद सीधे निकल गई 4 रनों के लिए,
का शानदार यहाँ पर शॉट और इस शानदार चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर सनराइज ईस्टर्न का 116 रन 6 विकेट 114 रन 6 विकेट के नुकसान। और जो भाई अभी इस समय हमारे साथ में लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं हर मैच के आपके लिए लाइव कमेंट्री इस बीच के अंदर ये खुदा और तौर पर पूरा कर दिया। इस पहला विकेट गिरा खराब यहाँ पर बल्लेबाजी रही यहाँ पर सनराइज की, जो की 217 रन के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर 114 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर और 33 गेंदों पर 103 रन चाहिए आंतरिक नोकिया अपने तीसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे फुलर। ये गेंद ट्राई का मोहम्मद विकेट इस गेंद को ट्राई किया है यहाँ पर लॉन्ग ओवर के क्षेत्र में, जब तक कि क्षेत्र से गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं और इस बीच दौड़कर यहाँ पर 1-2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए। इन दो रनों के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ अर्जुन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शानदार गेंदबाजी रही आज यहाँ से एक बार फिर हेनरिक नोकिया की गेंद और इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक क्षेत्र रक्षक उठाकर गेंद को थ्रो कर दी 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर सनराइज का स्कोर। और तो इस समय दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, फुलर जो कि 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर और यंग सैन 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर इस समय बल्लेबाजी करते हैं और हेनरिक नोकिया अपने कोटा है उसका तीसरा ओवर इस समय करते हुए एक सफलता अभी तक हेनरिक नोकिया को मिली। काफी तेज तरह गेंदबाजी करती है हेनरिक नोकिया, 2.5 ओवर में 28 रन लेते हुए एक सफलता अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर आते हुए हेनरिक नोकिया इनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे फुलर। ये गेंद और इस गेंद को यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिसको खेलते हैं यहाँ पर कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ में यहाँ पर हेनरिक नोकिया का ओवर खत्म हुआ। 15 ओवर के समय सनराइज का स्कोर 119 6 विकेट के नुकसान पर। और जो भाई इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर मैच की कमेंट्री लेके आता हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से सनराइज की टीम को से आदिल रशीद गेंदबाजी के लिए ये गेंद और इस गेंद को पुलर ने उठा दिया है हवा में, ये गेंद गई है और ये सीधे यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिया गया। तो इस तरीके से गिरता हुआ सनराइज का 7वां विकेट जो कि पुलर के रूप में आदिल रशीद की गेंद को मारना चाहते थे यहाँ पर 6 रनों के लिए, लेकिन गेंद सीधी चली गई यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खड़े चित्र रक्षक के सुरक्षित हाथों में। तो इस तरीके से इस तरीके से 7वीं यहाँ पर विकेट गिरता हुआ सनराइज का। लगातार कड़े मुकाबले होते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका लीग थोड़ी सी ज्यादा हाइप थी पर इतनी हाइप पर खड़ी नहीं उतर पाई, ये लीग इतनी हाइप थी उतनी हाइप पर खड़ा नहीं उतर पाई है। यहाँ बहुत हाइप थी इस लीग की कि ये होगा पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इस लीग का। इतनी हाइप थी पर
ज्यादा कुछ हो नहीं पाया इस लीग का, लगभग लगभग यही लीग मुझे लगता है ज्यादा टाइम तक सरवाइव क्या पता ना कर पाए, देखते हैं अब होता क्या है आगे आगे। बड़ी लीग की जिस तरह की हाइप बनाई गई थी उस तरह से तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उस तरह से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से इसकी हाइप थी वैसा रिजल्ट देखने को मिला नहीं है अभी तक, क्या पता आगे आने वाले में रिजल्ट देखने मिल जाए हमें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी मित्रों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबले शानदार हो रहे हैं 15.1 गेंद के बाद, जहाँ पर मुकाबला लगभग हार की कगार पे खड़ी है जेटी। आदिल रशीद अगली गेंद लेकर आएंगे, फिर से ये गेंद थी फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज ने खेल दिया इस गेंद को किसी प्रकार से। इसी के साथ एक और रन बटोर लिया गया है बल्लेबाज के द्वारा, किसी भी प्रकार से जीतना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से इस गेंद मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। अगली गेंद यहाँ पर बल्लेबाज मार्को जैनसन ने इस गेंद को हवा में पहुंचाया तारामंडल में, जय गेंद 6 रनों के लिए। वाह क्या शॉट लगाया था इस गेंद पर, आखिरकार खून खोल ही गया इनका, आखिरकार खून खोल ही गया इनका कि बड़े बड़े शॉट तो लगाने ही होंगे, अगर बड़े शॉट नहीं लगाएंगे तो ये मुकाबला कभी नहीं जीत पाएंगे। जीत तो अभी भी नहीं पाएंगे पर चलो बड़े शॉट लगाने की ट्राई तो की इन्होंने, इसी शॉट के चलते थोड़ा सा मुकाबले में इंटरेस्ट वापिस आता हुआ नजर आया है, थोड़ा सा इंटरेस्ट वापिस जरूर आया। क्या पहले मैच में जो बिग बैश लीग में हुआ था उसी प्रकार कुछ हो सकता है। फिर से इस गेंद को रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया बल्लेबाज ने, गेंद तेजी से भाग गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार खूबसूरत बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है इन दोनों टीमों के द्वारा, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कौन सी टीम जीत पाती है इस मुकाबले को हमें बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल
Before you hit the skip button, I can get your car insurance quote in just 2 clicks. Tata AIG Car Insurance. Trusted now. Fantastic now. Yeah.